तमाम हाजरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाजरीन मजलिस, ज़ाकरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिलखसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फातिहा। और गंगा भी लेती रहो, लेकिन खामोशी से बोलना नहीं बनती हो, गंगा भी लेती रहे, मजलिस जारी है, मजलिस को भी मजबूर से खाते रखें, दबरन भी ले बेटा, लेकिन आवाज़ आपकी नहीं निकलनी चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو واسطك الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجرة صلوات تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے مولا سلام दोनों हाथ बुलंद करके एक जबान होके हैदरी और तमाम दरूद सलाम उन हस्तियों पर जिनके सदके से खुद दरूद में दम दरूद आ गया। देखिए मोहतरम सामीन, लंगर भी तकसीम हो रहा है और वो भी बैठे हैं जो यहां से लंगर मांग कर तकसीम करेंगे। याद रखें, मजलिस में शमूलियत लंगर के बहाने नहीं होती, हाँ लंगर जिक्र हुसैन के बहाने मिलता है। तवज्जो है ना। और जो यहाँ से लंगर लेने आया है उनके नज़र में जुमला करने लगा हूँ, देखिए दामन वक्त में गुंजाइश है नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं सूरज की चाल को थाम सकूँ, मेरे इख्तियार में नहीं है कि चांद को चलन को रोक सकूं, और अगर बेदार बैठे हैं तो मेरे इख्तियार में नहीं है कि इस घड़ी के 12 घरों पे दर बदर होते इन 3 कांटों को थाम सकूं। जियो मौला आबाद रखे, सलामत रहो मौला, अपनी उसे मान रखे, जियो 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 मेरा सलाम हैदरी। मेरे इख्तियार की बात नहीं है कि वक्त को रोक सकूं, जो वक्त दिया गया उसमें हाजिरी मुकम्मल करूंगा और उसमें मिंबर हवाले कर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं हाजिरी देने आया हूं, मिंबर पर कब्जा करने तो आया नहीं। तो वजह है ना। और जो अब बेदार बैठे में जुमला पहले आदमी से आखिरी आदमी तक जो अभी तक खड़ा हुआ है, जुमला उनकी नजर करने लगा हूं, यही तो 1400 साल से मिंबर पर खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आके डालकर हम यही तो बताते हैं। और जमाली जैसा गुस्ताख आकर देख तो सही, जो सूरज के चलने का मोहताज हो वो मोहताज जमाना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम समाना। जियो 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 मौला सलामत हो मौला, पूछो तवज्जो है ना, जियो मौला आबाद। Yeah!
तवज्जो है ना। और याद रखें, ऐसे गुस्ताख वो होते हैं जिनको अपने शजरों का नहीं पता। ये मजमे में मैंने अभी देखा कि जो सर्दी में जिन्होंने यूं किया हुआ था ना, उन्होंने सर उठा के तो जवाब दिया, हाथ नहीं खोले। किबला मैं चैलेंज करने लगा हूँ, कैमरा सामने लगा हुआ है, वो हाथ दिखाना जो ना उठे पूरे मजमे के ऊपर। अगर मैं मजमे से पूछूं कि इसमें बट कितने बैठे हैं, कुछ हाथ खड़े होंगे कुछ नीचे हो जाएंगे। मैं पूछूं खोकर कितने बैठे हैं, कुछ हाथ खड़े होंगे कुछ नीचे हो जाएंगे। मैं पूछूं काजमी सादात कितने बैठे हैं, कुछ हाथ खड़े होंगे कुछ नीचे हो जाएंगे। मैं पूछूं रिजवी कितने बैठे हैं, कुछ हाथ खड़े होंगे कुछ नीचे हो जाएंगे। और अगर मैं मजमे से पूछूं अली वाले कितने बैठे हैं, तो मुझे कहने का हक है जो हाथ खड़े हैं, इन्हीं हाथों को कसम देकर कहता हूं हाथ जरा ऊपर रखना, मुझे कहने का हक है। कोई रिजवी है तो बाप की वजह से है, कोई जैदी है तो बाप की वजह से है, कोई कासमी है तो बाप की वजह से है, लेकिन अल्लाह के कुल कायनात में कोई हलाली है तो मेरे मुर्शिद अली की वजह से। मौला आबाद सलामत, मौला अपनी उसे मान। यक जबान होकर दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी मौला आबाद। मौला आबाद सलामत, मौला अपनी उसे मान। पाक रब्बुल इज्जत इस वक्त का सदका जो बानी मजलिस हैं नदीम शमसी साहब अमीर मालिक सदका बीमार करबला का उन्हें शफाए कुल्ली व कामला अता फरमा। जो माएँ बहनें परेशान हैं अमीर मालिक उन इम्तिहानों का वास्ता जो बीबियों पर आई उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मोहतरम सामीन, हमें उलझा दिया गया, हमें तो उलझा दिया गया, हमें निकलना चाहिए। किसी की ना मानो, हदीस पेश करें ना मानो, मर्जी तुम्हारी किताब पेश करें ना मानो, लेकिन कम से कम कुरान की तो मानो ना, कुरान की तो माननी पड़ेगी ना, किसी की मानो। भाई कहीं अली आए जी ये बातिल हो गई, ये वाजिब हो गई, यहाँ अली आ सकता है यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा ये बहसे उल्मा से पूछना, भाई मैं तो सीधा साधा सा तालिब इल्म हूँ, मुझे सर्दी लगी हुई है, दूर करने के लिए मैं अगर कहूँ भाई ठंड बहुत है किसी चीज़ का इंतज़ाम है, वो कहेंगे पहले नंबर पर हीटर का, दूसरे नंबर पर चाय का। तो जो है ना किबला, ये चाय मैंने इस वजह से सुनाई है कि जो अभी भी यूं बैठे हुए हैं शायद इसकी गरमाइश पहुंच जाए। भाई किबला बैठे हुए थे, मलिक साहब बैठे हुए हैं, बुखारी साहब, हम लोग बैठे हुए थे, चाय आ गई, चैनक में डाली, तीन कपों में डाल दी। अब मैं सीधा सादा सा आदमी कभी ना पीने वाला, मैंने किबला से पूछा, मैंने कहा चाय कैसी है? इनका वाह वाह सादात का इंतज़ाम है, सारे साल की मेहनत है, बड़ी खुश मज़ा है, बड़ी खुश जायका है। मैंने किबला से पूछा चाय कैसी है, कहते वाह वाह, उन्होंने तारीफ़ कर दी, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने कहा भाई आपने भी तो चखी है ना, तो वह जो है क्या नहीं है जियो। भाई जैसे उनकी चाय का जायका है वैसे ये है। अच्छा मैंने जो चखी, मैंने कहा किबला मजाक करते हैं, तालिब इल्म हूँ, सबसे छोटा जाकिर हूँ मौला का, ये मेरे वाली तो कड़वी निकल आई। तो जो है किबला मेरे वाली तो कड़वी निकल आई। हंस के मुझे मलिक साहब कहने लगे भाई ये हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? उनका भाई जिस चैनक में जिस थर्मोस में जग में चाय आई है वो एक ही था, उस थर्मोस से जो तीन कप निकाले गए ये कैसे हो सकता है कि दो मीठे हों एक कड़वा निकल आए, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा किबला क्यों मुमकिन नहीं है? कहा भाई इस वजह से कि अगर ज़र्फ एक हो तो मजरूफ के जायके में फर्क नहीं आता,
नहीं, जो पीछे रह गए उनको मिला के चलने का आदि हूँ। जुमला आपके नजर करने लगा हूँ। मुझे इन्होंने समझाया, अगर जर्फ एक हो ना, मजरूफ के जायके में नहीं फर्क आता। जर्फ एक हो, मजरूफ के जायके में फर्क नहीं आता। मैंने कहा किबला, मेरे आपके अकीदे को सलाम है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, अपने वक्त में मिंबर हवाले कर दूंगा। मैंने कहा किबला, आपके अकीदे को सलाम है, यही तो 25 दिसंबर को लाहौर के मजमे में खड़े होकर मिंबर पर आगा मोहम्मद रजा ऐलान करके जा रहा है कि अगर जर्फ एक हो तो मजरूफ के जायके में फर्क नहीं आता। किबला क्या मैं पे बवाज़े बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं लाहौर वालों, बवाज़े बुलंद है तो इससे ऐसा सुना दूं। मैं फजाइल की इन्हीं जुमलों पे तमाम कर दूंगा कि किबला तशरीफ़ ले आए हैं और मलिक साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी पढ़ने वाले मुझसे बेहतर पढ़ने वाले, और इन बेहतरीन के दरमियान में मैं हाजिर इसलिए हो गया था ताकि दरे बतूल के जारो कशों में अपना नाम लिखवा सकूं। भाई जुमला सहन में है ना, ये तार टूटनी नहीं चाहिए, अली की तार है, ये तार कमज़ोर नहीं है, बस छोड़ने वाला हलाली नहीं होता। ये तार खामोशी से नहीं सुनी जा सकती, याद रखिएगा, हर महफिल बोलने के काबिल नहीं होती, बुजुर्गों के महफिल बच्चों के बोलने के काबिल नहीं होती, चौपाल बेमकसद लोगों के बोलने के काबिल नहीं होते, लेकिन ये जिक्र अली और बतूल है, यहाँ पर जो चुप रहता है वह अपना सब कुछ खो देता है, और जो बोलता है उसके अकीदे नहीं, उसके शजरे जाहिर हो जाते हैं। तवज्जो है ना भाई, जुमला जहन में रखिएगा, अगर जर्फ एक हो तो मजरूफ के जायके में फर्क नहीं आता, जग एक हो चाय के जायके में फर्क नहीं आता। मौलवी मुझे बता तो सही, तो कहता अली यहां वाजिब हो गया, यहां बातिल हो गया, ये जंग तू जान, तेरा अकीदा जाने, तेरा ईमान जाने, मैं तो इतना जानता हूं, कहने वाला अल्लाह एक है, लाने वाला जिब्राइल एक है, सुनाने वाला रसूल एक है, दर्ज करने वाली किताब एक है, कहीं अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो, और उलिल अम्र अली की अतात करो, कहीं अल्लाह कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनुज़्ज़काता व हुम राकिऊन, मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, ये रसूल तुम्हारा वली है, और वो अली तुम्हारा वली है जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे देता है, जिसके दिल के अंदर अली की विलायत है। जुमला उसकी नजर करने लगाओ, मुझे बता तो सही, अल्लाह ने तीन अताते वाजिब की है, तीन विलायतें वाजिब की है, जब एक जग में से निकले हुए तीन कपों में से दो मीठे एक कड़वा नहीं हो सकता, तो कुरान में से तीन वली निकले। मुल्ला मुझे बता तो सही, नमाज के अंदर दो वाजिब एक बातिल कैसे हो जाए।